ज्ञापन भी पाड़ोगे जो किसी से लड़ाई या झगड़ा या किसी से वो करने नहीं आया, ये अपने हक की लड़ाई के लिए धरनों पे बैठा, सड़कों पे पड़ा है। का किसानों से कैसा बदला लिया कि इस बार देहात में ज्यादा बीमारी रही और कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें से एक आध आदमी नहीं गया है। इस तरह का हम इस तरह चाचा को बुला लो, तो हमारे सारे किसानों ने आज इस दिन को प्रतियां जला के मनाया और जलाने का संकेत यह है कि ये कानून किसी भी रूप में अगर पेपर में भी लिखे हुए हैं, कागज में भी लिखे, तो स्वीकार नहीं है, लागू होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये कानून किसी रूप में स्वीकार नहीं है जी। भाई सारे लोगों ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया है, हम चाहते हैं कि ये कानून रद्द हों, इनको वापस लिया जाए और MSP पे कानून बने, ये हम लोग सारे लोग चाहते हैं। नहीं नहीं, भीड़ जुटाने का कोई नहीं, ये तो हमारे जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग थे वही लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आया, क्योंकि हमारे हर तहसील पर और हर कलेक्ट्रेट में इस समय इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। ये एक जगह का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गाइडलाइन का पालन है ना, हम भीड़ को कम करें, डिवाइड करें, तो हर जगह कर, एक जिले में कम से कम 10-10 जगह प्रदर्शन हो रहा है इस तरह का। भाई एक साल पूरा हो गया ना, कानून बनाए थे, अध्यादेश के रूप में लाए थे जो कानून, वो तो आज वो हो गया, विरोध का भी एक साल ही हुआ, क्योंकि जब से ये बने जब से जो है किसान विरोध कर रहा, अपने अपने तरीके से कर रहा था, 6 महीने तक अपने बॉर्डर पर बैठ कर विरोध कर रहा, आज पूरे देश भर में तहसील लूप है, मुख्यालय लूप है, सब जगह ब्लॉक स्तर तक भी किसान जो है ये पड़तियाँ जला रहा, और ये पड़तियाँ तो इन्होंने किसान ने आत्मिक रूप से जला ही रखी इनकी, जब इनको पसंद ही नहीं है किसानों को ना, ये काले कानून है, डेथ वारंट किसान के लिए है, इनको दिमाग में से निकाल दिया, आत्म से भी निकाल दिया, फूंक रखे तो ये तो आज एक वो है, एक बार आज इनकी सालगिरह है, वो फूंक का मनाई। SKM ने आह्वान किया था कि सांसद और विधायकों का घर घेरा जाएगा, दफ्तर घेरे जाएंगे, जो वो कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी, पूरे BKU इस आह्वान से पीछे क्यों हट गई, कहाँ हट गई, हम तो नीचे लोग ब्लॉक स्तर लो ब्लॉक स्तर तक सब जगह जो है आज प्रतियां फूकी जा रही। कोविड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोविड का भी सिस्टम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।